आज भारत की संसदीय राजनीति के आधी शताब्दी गुजर जाने के बावजूद हालात चिंताजनक हैं। दलों के अंदर परिवारवाद और काले धन का डंका बज रहा है। संसद और विधानसभा के चुनाव धन शक्ति बाहुबलियों और मीडिया के कारण प्रदूषित हो गए हैं। इनके नतीजों पर जीतने वालों का ही नहीं हारने वालों का भी कोई भरोसा और यकीन नहीं रहता है। और फिर जो राजनीति है या कुल मिलाकर के पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का खेल हो रही है। राजनीति की यह दुर्गत हमारे लोकतंत्र के लिए ही नहीं राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरनाक है। नई राजनीति की जरूरत है, वैकल्पिक राजनीति की जरूरत है, जिसमें राजनीति को हम सेवा और सामाजिक एकता की बुनियाद समझें। ऐसी राजनीति की पहली सीढ़ी के तौर पर स्वराज अभियान 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन शुरू किया गया और पिछले 2.5 महीनों में हमने 15 सूबों में 20 स्वराज संवाद आयोजित किए हैं और इसमें आंध्र प्रदेश से लेकर असम तक और कश्मीर से लेकर केरल तक नागरिकों में से आदर्शवादी लोगों की जमातें आगे आई हैं। आप इससे जुड़े, यह मुल्क की लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर बनाने का एक बड़ा प्रयास है। इसमें आदर्शवादी नागरिकों ने जो अलग अलग आंदोलनों के साथ पिछले कई वर्षों से जुड़े थे और आज भी पूरी तरह से आपस की एकता और यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप इस मन से जुड़ें, यह हमारी आपसे अपील है। स्वराज अभियान जिंदाबाद।